एपिसोड्स हम बैम्फ आ चुके हैं लेक लुइस से, और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं बैम्फ में मौजूद एक गार्डन जिसे कैस्केड गार्डन कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल गार्डन है, बड़ी ही खूबसूरत उसमें एक हिस्ट्री की बिल्डिंग है, वो भी हम आपको दिखाने लगे हैं। अबीर आपको बताएगी कि उस बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है, तो हमारे साथ रहिए। खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं, इसकी एक अपनी ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और ये बिल्डिंग तकरीबन 120 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन इस बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने इसकी काफ़ी हाई मेंटेनेंस की जाती है। और इसी के साथ साथ हम आपको बैम्फ नेशनल पार्क का भी टूर कराएंगे। देख सकते हैं कि पहाड़ों के दरमियान एक कनाडा का नेशनल पार्क बना हुआ है, जो कनाडा का फर्स्ट नेशनल पार्क कंसीडर किया जाता है। इसकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको हम अपने ब्लॉग में बताएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सल्फर रॉकी माउंटेन है, और इस माउंटेन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक नवंबर के फर्स्ट वीक से ये खूबसूरत माउंटेन जो है, ये बर्फबारी जब होगी तो तब ये आप कह सकते हैं कि सफेद चादर ओढ़ लेगा, और शायद तब इसकी खूबसूरती देखने का आपको मौका आएगा, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ। यहाँ पर लोगों का बेतहाशा रश होता है, क्योंकि कनाडा में एक्टिविटीज समर में ही होती हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि बैम्फ डाउनटाउन आए और गर्मियों में आए, ताकि यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ उठा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक अलग सी बिल्डिंग मौजूद है, और इस बिल्डिंग की क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है मैं आपको बताती चलूँ। बेसिकली ये रोमेनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्क है, यानी कि यहाँ पर मौजूद जितने भी पार्क्स हैं, बैंक हो गया, कैस्केड गार्डन हो गया, उन सब की देखभाल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया, ताकि कनाडा की इकोनॉमिकल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जाए। जब ये वजूद में आया तो उस टाइम पर जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि एक माउंटेनियस इलाका है और माउंटेन्स के बीच में पार्क होना ही कुदरती बात है। तो कनाडा के मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाए, ताकि जितनी भी ग्लोबल वैल्यूज हों, जितनी भी सारी चीज़ें हों, लोगों को फ़ायदा हो सके, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जा सके। अगर आप लोगों को गाड़ी चलाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है, तो यहाँ पर ऑनलाइन बस सिस्टम भी है, और आप अगर अपनी ट्रिप आप अपना प्लान कर रहे हैं तो आपको एक हफ्ते पहले बुकिंग करानी होगी। तो गाड़ी से तो आपको मिलेगा छुटकारा पूरे बैम्फ नेशनल पार्क का और कैस्केड गार्डन का, आप बस के अंदर भी टूर दे सकते हैं। हम इसमें कैस्केड गार्डन में मौजूद हैं, यहाँ की मैं आपको सैर कराऊंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है, और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। वर्क पाते कि यू हैव टू पे $6 फॉर पार्किंग, बट यू कैन ट्रैवल, यू कैन डू शॉर्ट वॉक्स ओवर हियर जस्ट फॉर फ्री। और यहाँ पर मेरे एक भी लोग मौजूद हैं जो कि पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और लॉन्ग वीकेंड अगर आए तो मैं कहती हूँ कि कैस्केड गार्डन आएँ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और अपने सफ़र को भी यादगार बनाएं। तो भाई अब हम इस वक्त जो है डाउनटाउन में मौजूद हैं, और यहाँ हम वॉक कर रहे हैं। चले जी डाउनटाउन की वॉक करते हैं।
अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये डाउनटाउन स्ट्रीट है, लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं बबल टी, कॉफ़ी, आइस टी, नॉर्मल टी, ब्लैक कॉफ़ी, यू कैन एंजॉय एनीथिंग यू वांट टू। कैलगरी में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात का, शाम का जो मौसम होता है उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी सर्दी सी हो जाती है, लेदर जैकेट पहननी पड़ती है। और आई थिंक कनाडा की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अक्टूबर में आपको असल ब्यूटी जो होती है, नेचुरल ब्यूटी जो होती है कनाडा की, वो देखने को मिलती है। उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की जानिब से अब तक के लिए इतना ही, लेकिन फिक्र नॉट, हम आपसे मिलेंगे नई एपिसोड में जिसमें होगी नई सिटी, न्यू एडवेंचर्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पे फॉलो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अबी हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।